चील का एक अंडा एक मुर्गी के घोंसले में रखा गया। समय आने पर अंडा फूटा और उसमें से निकला चील का बच्चा खुद को चूजा मानते हुए पलने लगा। चील का बच्चा वही करता जो मुर्गी को करते देखता। वह कूड़े में से खाने के दाने ढूंढता, मुर्गी की तरह भाग देता और हर काम उसी की तरह करता। कभी कभी थोड़ी सी ऊंचाई से ज्यादा वह उड़ नहीं पाता। क्यों? क्योंकि मुर्गी भी ऐसा ही करती थी। उसने एक दिन आसमान में एक चील को बड़ी शान से उड़ते देखा। उसने मुर्गी से पूछा, कौन है वह सुंदर चिड़िया? मुर्गी ने जवाब दिया, वह चील है। वह एक तेज तर्रार चिड़िया है, लेकिन तुम उसकी तरह आसमान में कभी नहीं उड़ सकते, क्योंकि तुम एक मुर्गी हो। इस तरह वह चील का बच्चा उड़ने के बारे में कभी सोच भी नहीं सका। और इस बात को सच मानकर उस चील के बच्चे ने, जो मुर्गी की तरह पला, दोबारा सोचा नहीं। वह एक मुर्गे की तरह सारा जीवन जिया और मरा भी वैसे ही। अपनी समझ और दूर की सोचने के अभाव से उसने खुद को अपने पैदाइशी गुणों से महरूम रखा। कितना बड़ा नुकसान हुआ। वह जीतने के लिए पैदा हुआ था, पर वह दिमागी रूप से हार के लिए तैयार हुआ था। यही बात ज्यादातर लोगों पर लागू होती है। जिंदगी की बदकिस्मती के बारे में बताते हुए ओलिवर वेंडाल्स होम्स कहते हैं, ज्यादातर लोग अपने दिलों में कुछ करने की चाह लिए ही मर जाते हैं। हम अपनी दूरदर्शिता की कमी की वजह से बेहतर हासिल नहीं कर पाते। अगर आप चील की तरह आसमान में ऊंचे उड़ान चाहते हैं, तो आपको चील के तौर तरीकों को सीखना पड़ेगा। अगर आप कामयाब लोगों की संगत में रहते हैं, तो आप उन जैसे ही बनेंगे। अगर आप सोच विचार करने वालों के बीच में रहेंगे, तो आप भी उनमें से एक बनेंगे। अगर आप दानियों की संगत में रहेंगे, तो आप भी उनके जैसे बन जाएंगे। अगर आप शिकायत करने वालों की संगत में रहेंगे, तो आप भी वैसे ही बन जाएंगे। जब भी जिंदगी में कामयाबी हासिल करता है कोई, तो घटिया लोग उन पर वार जरूर करते हैं और उनको नीचा खींचने की कोशिश करते हैं। जब आप इन घटिया लोगों से नहीं उलझते, तब जीत आपकी होती है। मार्शल आर्ट में सिखाया जाता है कि जब कोई आप पर वार करे, तो आप उसके वार को रोकने की बजाय वहां से हट जाए। क्यों? वार को रोकने के लिए ताकत की जरूरत पड़ती है। क्यों ना उस ताकत को और अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाए। इस तरह घटिया लोगों से उलझने के लिए उनके स्तर तक आना पड़ता है। यही वे चाहते हैं, क्योंकि आप उनमें से एक और हो गए हैं। घटिया सोच वाले लोगों को अपने ऊपर हावी ना होने दें। याद रखें, एक इंसान का चरित्र सिर्फ इस बात से जाहिर नहीं होता कि वह कैसी संगत में रहता है, बल्कि इस बात से भी कि वह कैसी संगत से दूर रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अगर मेरी यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।